मोमोज खाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेलियां प्रीति और सपना उसके घर आती हैं। थोड़ी देर बातें कर हंसी मजाक करने के बाद मीरा उन दोनों के लिए अपने हाथ के स्पेशल मोमोज बनाती है और उनको खिलाती है। उसकी फ्रेंड्स मोमोज खाने के बाद अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद मीना की माँ नीतू वहाँ आती है और उसके कान पकड़कर बोलती है, क्यों रे, तूने फिर से घर में मोमोज बनाए और अपने फ्रेंड को भी खिलाए, है ना? सॉरी माँ, अब तो कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं तुझे लोगों को मोमोज खिलाने में कितना मजा आता है। अरे अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तो देखना, मोमोज की तरह लोग तुझे कड़ाई डाल देंगे। जस्ट चिल माँ, आप बेकार में ही इतना डरती रहती हो। मीना अपनी माँ को शांत कर बचे हुए मोमोज अपनी माँ को भी खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मीना के लिए राहुल नाम के बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और बहुत जल्द ही राहुल अपनी माँ निशा के साथ मीना को देखने के लिए उसके घर आता है। जहाँ मीना को देखते ही पहली नजर में निशा को वो पसंद आ जाती है और निशा बोलती है, लड़की तो बहुत ही अच्छी है हमार बिटवा के लिए, बहुत ही संस्कारी। वैसे हमारा बिटवा भी तुम्हारी लड़की से कोनो कम नहीं है, तुम खुद ही देख सकत हो। जी जी, आपका लड़का तो काफी अच्छा है और मुझे मेरी मीना बिटिया के लिए बहुत पसंद है। ये लोग कर लो बात, फिर काहे हम लोग बैठे हुए हैं। अरे फटाफट रिश्ता पक्का करो और एक दूसरे लोगन का मुंह मीठा करो भैया। मीना और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीना अपने ससुराल में पहली रसोई करती है जिसमें वो अपने हाथों से अपने स्पेशल मोमोज बनाती है और सबको खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाटने लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। मीना घर बोर होने लगती है और वो सोचती है, क्या यार पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लूँ। माँ जी और राहुल से बात करती हूँ इस बारे में, आइडिया बुरा नहीं है। मीना ये बात अपनी सास और पति से बोलती है जिस पर राहुल उससे बोलता है, अच्छा आइडिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, मैं उनसे बात अपने आप कर लूँगी। मीना फटाफट रसोई में जाकर मोमोज बना लेती है और खाने की टेबल पर लगाकर अपनी सास से बोलती है, माँ कैसे बने हैं मोमोज? अरे बहुरिया, तुम्हार हाथों में तो एकदम जादू है, पता नहीं कैसे तुम इतना बढ़िया और स्वादिष्ट मोमोज बना लेती हो। माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोलूं, मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और घर की सी आमदनी भी बढ़ जाएगी। काहे बहुरिया, हमार जो बिटवा कमावत है उससे का तुहार पेट नहीं भरत है। माँ जी इससे हमारा ही फायदा होगा, आप एक बार मेरी बात सुनिए तो। नहीं, हमने एक बार बोल दिया ना तो मतलब ना। माँ जी प्लीज ना, माँ जी मान जाइए प्लीज। अरे बहुरिया देख, मेरी तरफ से ना है और अगर फिर भी मेरे ऊपर होके तुझे करना है तो कर, जो तेरे मन में आए कर। निशा गुस्सा हो जाती है पर मीना नहीं मानती और वो निशा के मना करने के बाद भी वो घर के बाहर ही अपनी छोटी सी शॉप खोल लेती है जो निशा को कतई पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन निशा मीना के मोमोज में चुपके से जमाल घोटा मिला देती है ताकि वो उससे बदला ले सके और उसकी दुकान बंद करवा सके। कुछ देर बाद जब मीना अपनी दुकान लगाती है तो उस दिन उसके मोमोज की खूब बिक्री होती है, लेकिन मोमोज खाने से लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और ग्राहक अगले दिन आकर मीना से बोलते हैं, अरे अपने कमाई खातर तो मासवा गल्ला न्यू करेगी। क्या हुआ, मोमोज अच्छे नहीं लगे क्या? अरे के डाल दे तने इस मोमोज में जो इतने मरोड़े ड्राइवर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, जब से इस लड़की के मोमोज खाए ना
तब से तो सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट का ही मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे ही उसकी सास रोज कुछ ना कुछ मोमोज में मिला दिया करती ताकि उसकी शौक ना चले और ग्राहक मीना को भला बुरा बोल उसके पास से मोमोज लेना बंद कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है और राहुल के इलाज के लिए निशा मीना को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसकी वजह से उसकी शॉप बंद हुई और वो बोलती है, अरे ओ बवरिया तू फिर से अपनी शॉप खोल ले, काहे कि राहुल के इलाज के लिए पैसा चाहिए जो कि हमरे या तुहार पास तो है नहीं। सच्चे दिल से यूँ माफी मांगता देख वो निशा को माफ कर देती है और बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है और अब खुद आकर अपनी गलती सुधार रही हैं। इससे बड़ा पछतावा और क्या हो सकता है। आप देखिएगा, एक बार फिर से मैं मोमोज की शॉप लगाने जा रही हूँ और इस बार कैसे शूटाक चलती है हमारी दुकान। ये तो तुहार बड़प्पन है जो तूने हमका माफ कर दिया। लेकिन माँ जी मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बहू? आपको भी कल से मेरे साथ मोमोज बनवाने में मदद करनी होगी, बस इतना सा काम कर दीजिए मेरा। बस इतनी सी बात बहुरिया, जरूर कर बे। मीना अपनी सास को माफ कर देती है और एक बार फिर से अपनी मोमोज की शॉप खोलती है, पर इस बार वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर ये शॉप खोलती है। उसकी ये शॉप अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। देखते ही देखते वो अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती है और राहुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और मीना का बिजनेस संभालने में उसकी हेल्प करता है। उसकी छोटी सी शॉप बड़ी हो जाती है जहां अब हर समय कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन, देख बहुरिया, हम त्योहार लिए अपने हाथन से मोमोज बना के लाइन है, खा के तो बता कैसे बने हैं मोमोज। नॉट बैड माँ जी। इस तरह से एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।